इस रूप में आकर। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई लोगों, जस्ट अपने पास में अभी बाइक आई हुई है KTM RC 125 एंड उसमें पता है अभी मतलब क्या होता है, मतलब ना जुगाड़ किया है यार बंदों ने, मतलब इंडिया में यार जुगाड़ की कमी नहीं है। तो बस वही दिखाता हूँ, और जो जुगाड़ है ना वो कामयाब भी है, ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं है। और लेकिन जब उसे देखा ना तो थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी यार। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल में अभी दिखाते हैं यार किस तरीके से कस्टमर ने जुगाड़ करके लेके आया और उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो क्यों भी उन्होंने ऐसा जुगाड़ किया। अगर आपके पास अभी बाइक वगैरह हो तो आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सब चीज़ें दिखाते हैं यार अभी RC में अपने। ये देखो गाइस, ये रही अपने पास में बाइक, ये खड़ी हुई है। मैंने अभी फिलहाल में स्टैंड वगैरह तो लगा दिया है। तो इसमें क्या था ना, इनकी मतलब गाड़ी गिर गई थी, तो गाड़ी गिर गई थी उसमें क्या था, अपना गियर हो गया था डैमेज, एंड गियर डैमेज हो गया था, और जो कि टायर रॉड थी वो मतलब बैक साइड से ना टाइट रहती, तो वो भी निकलने लगी थी। अब कस्टमर थे बरेली में और उन्हें आना था अपने यहाँ पे मतलब अपने रुद्रपुर में, तो उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें, तो उन्होंने जुगाड़ देखो क्या बनाया भाई, जुगाड़ देखो। अक्सर आपने देखा होगा कि घोड़े वगैरह होता है ना उसमें लगाम लगा दी जाती है, बट इन्होंने महंगे बाइक में ही लगा दी। इसे देख के थोड़ी हंसी आने लगी, बट हाँ ऐसी हंसने वाली बात कोई नहीं है। बट ये जुगाड़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कामयाब भी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो तो आप भी ऐसा बना सकते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। भले से देख के थोड़ा अजीब लगता है बट बना सकते हो, जैसे कि अभी ये देखो इस तरीके से, मतलब आप चलाते वक्त भी हाथ से थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेस करोगे, गियर अपने डलते रहेंगे। ये देखो देखो इस तरीके से, 1 2 3 और बाकी उतारना हो तो पैर से ही उतारना पड़ेगा। बट तो फिलहाल में यही सब जुगाड़ था यार, और जुगाड़ अपना कामयाब था, ये तो मैंने दिखा दिया। तो अभी फिलहाल में मेरे को इसमें करना है ठीक, ओके की रिपोर्ट करना है। ओके की रिपोर्ट करने के लिए मेरे को इसमें डालनी पड़ेगी अभी टायर रॉड एंड अपना जो कि अपना गियर लीवर। अगर आपके पास भी गाड़ी हो और डैमेज हो गया तो मैं बताऊँ ये कितने का होता है, ये आपको पड़ेगा 750 रुपये का, और जो कि टायर रॉड है ये आपको पड़ेगी 285 रुपये की, जो ये पूरा कम्प्लीटली टायर रॉड देख रही है, ठीक है। और जो आगे वाला होता है ये होता है अपना आर्म। तो फिलहाल में कोई नहीं, अभी इसे मैं ठीक कर देता हूँ, ये पिले वगैरह आई है ये सब ठीक कर देता हूँ, बाकी गाड़ी में और भी कई सारे काम उन्हें कर देता हूँ। और जो काम कर रहा हूँ वो तो इनमें नहीं, अपने KTM वाले चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना, यहाँ पे भी गाड़ी आई हुई है और अपनी कुछ गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई हैं, सब में काम अपना करना है थोड़ा थोड़ा। तो फिलहाल में अभी मैं काम वगैरह निपटा लेते हैं, उसके बाद में थोड़े आग वगैरह मतलब तापते हैं, हाथ वगैरह ठंड हो रही है, उसके बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। छबी बैठी सुनो, अभी आई गई से बाड़ी भात खाई थे, हमी लंच हुई गए से तबार हमी बाड़ी आई गई से भात खाई थे। तो हमारे मम्मी ना इतने लिपित इसे गुलाम कल के अभी राम मंदिर हुई से ना इतने उद्घाटन हुई से तबार हमी बैक कैमरा तो दिखाई से इतने लिपित इसे गुलाम अमर माँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। देखो गाइस, ऐते अमर मम्मी ना लिपित से गुलाम, क्योंकि कल ते ना राम मंदिर हुई से ना तबार अमर कल के दीपावली बनावे गुलाम, क्योंकि हमें पटाखे नहीं आवे ना दुकान ते खरीदते, बड़ी नहीं आवे तबार हमें पटाखे जलावे। अरे कहना क्या चाहते हो दिखी, और ए दिखी हमें ना रंगोली रखवाई देवाने, अमर सिस्टर हुई से ना वही रंगोली रखवाई देवाने, तबार दिया नहीं है बीसे दूर धरे देवाने गुलाम, तबार ऐते मम्मी लिपि दिशे गुलाम, और ऐते 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 सवार सवार जगह लिपि दिशे गुलाम अमर माँ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आज के ना गाइस संडे रोई से, तो संडे से हमार माँ ना छुट्टी रोई से, हमार मम्मी कितने छुट्टी रोई से तबार आज के मतलब ना मम्मी ने सारा काम कर दिया। बोलना थोड़ा मुश्किल है बट बोल लेता हूँ यार। तुम भी सोच रहे होगा अचानक से राहुल क्या बोल रहा है, बट यार मैं बोल लेता हूँ, बट थोड़ी टूटी फूटी प्रॉपर नहीं, थोड़ी टूटी फूटी। तो फिलहाल में तो अभी लंच टाइम हो गया ना, तो घर पे लंच करने आया हूँ, तो बस अभी जल्दी से खा लेते हैं फिर निकलते हैं। बस अभी तो फिलहाल मैं बंगाली में बोलने की कोशिश कर रहा था, बट यार थोड़ी बहुत बोल ली, इतनी भी मतलब बिगड़ के नहीं बोल रहा था, जानबूझ के नहीं बोल रहा था, बोल तो ली मैंने। बाकी अभी तो फिलहाल में खाना आ चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैं ठीक बोल रहा था या मेरे कुछ वर्ड गलत थे, तो मतलब जो भी जानता हूँ वो, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, देखते हैं। नारायण मिल जाएगा।